हेलो, कितनी आसानी से कह दी ना तूने मुझे कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। देवा, अरे हमारी शादी तो तब हो चुकी थी जब मैंने तुझे आई लव यू बोला था और तूने मुझे लव यू टू। तो हाजी, तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम आपके लिए लेके आए कुछ मजेदार, कुछ फनी, कुछ पापा की परियों के ऊपर मजेदार वीडियो, जिसे आप देख कर बोलोगे कि भाई लड़कियों को ड्राइविंग नहीं देना चाहिए। तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम को। और अगर आप चैनल पर आई गए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर कोई बिगर घंटी बजा गया ना, ऐसा मंत्र फेंक के मारूंगा, मोहल्ले की लड़की भैया कहते हुए चली जाएंगी। तो फिर बजा लो घंटी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये देखिए पहली वीडियो। इसमें जो अच्छी वाली लड़की सड़क पर जाती है, फिर इसको लगता है कि नहीं, मैं तो पापा की परी हूँ, मुझे तो एक्सीडेंट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे क्या करती है भाई, अच्छी वाली रोड पर जा रही थी, इसको लगा कि मेरे हाथों से कोई बच के नहीं निकलना चाहिए, तो जो जाके इसने किसी बाइक वाले को रोड पर ही ठोके दी। यानी कि भाई देख रहे हो, पता नहीं कौन सा भाई सस्ती दारू को नशा करती है। अच्छा वाला लड़का रोड से अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, इसने बीच में आके ठोक दी गाड़ी। अब तुम इस वीडियो को देखो जरा, दूसरी को, इसमें आपको और ही मजा आएगा। इसमें क्या होता है, एक इंसान है भाई, वो इंसान नहीं है, वो चूतिया ही है, क्योंकि उसने क्या है, एक तो उसने लिया सांप को उसने अपने डाल दिया गांगरे में, और फिर इसका इसी मन नहीं भरा तो उसने एक वो क्या कहते हैं यार, कुछ भी कहते हो कि मुझे पता नहीं क्या था, तो उसने उसको भी लिया और उसको ही अपने गांगरे में डाल दिया। अब भाई जब इसको लड़ाई करवानी थी तो भाई उस गांगरे को उतार के रोड पे करा लेता, पर नहीं, आदमी में तुम दिमाग देखो, गांगरा पहने के और उसमें पर उन दोनों की करा रहा है लड़ाई। अब इसका भगवान ही जाने क्या होगा भाई, कहाँ से आते हैं ऐसी दिमाग, जरा हमें भी बताओ यार। अब तुम जरा इस वाली वीडियो को देखो, इसमें क्या होता है कि भाई जो लड़की होती है ना, वो अच्छी वाली स्कूटी लेके जाती है, चलो जाती है यार ठीक है, पर भाई रॉन्ग साइड पर लेके भाई कौन जाता है, और भाई चलो रॉन्ग साइड पर लेके जा रही है तो ये तो देख ले कि भाई तेरे आसपास कोई है, पर नहीं, लड़की सीधी गई और उसने किसी बाइक वाले को ठोक गई। बेचारा वो जो बाइक वाला था वो नीचे गिर गया, बताओ भाई, उसने नहीं पीछे मुड़ के देखा, सीधी चली गई। भगवान। तो फिर जब इनको कोई नहीं मिलता कराने के लिए, तो बच्चे सोचती हैं, अरे अपन को किसी की जरूरत नहीं है, अपन अकेला ही काफी है। अरे वो था ना उसका नाम क्या था, पुष्पा, उसके सुनाई। तो फिर जी अपनी स्कूटी लेके खुद ही नाले में गिर जाती है, देखो जरा इसको। बेटे, अबे बेटा मौज करते। तो ऐसा भाई लड़कियां क्यों करती हैं? इसी बात को पूछने के लिए मैं गया बाबा के पास, तो भाई बाबा तो वही चूतिया निकला इनसे, उसने अपना भगोना अपने ऊपर ही पलटी लिया, वो भाई खुद पीछे गिर गया, यार देखो इसको तुम। तो भाई सारी लड़की एक तरफ और भाई ये लड़की एक तरफ, इसको भाई जब पता है कि जब गाड़ी कीचड़ में गिर चुकी है तो वो लिख रही तो है नहीं, पर नहीं भाई ये कब हार मानने वाली थी, उसमें भाई लगी है रेस देने कि मन भाई गाड़ी लिख रही जाएगी। कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ जैसे मैं बनाता हूँ। तो चलो यार, पापा ही परियो तो भाई वो परियाद हुए हैं, पर भाई इस आदमी को देखो, इसको भाई यहाँ पे डांस करना था, पर यहाँ पे तो जी भाई कुछ और ही डांस कर रहा है, वो क्या कहते हैं उसे, वो लकड़बग्गा डांस, तुम ही देख लो यार इसको कैसे चलना है भाई, डांस करना है किसी को भाई डराना थोड़ी है, जरा देखना इसका डांस यार। अब तुम जरा इस वाली वीडियो को देखो, इसमें क्या है कि भाई जो वो इंजेक्शन होता है वैक्सीन वाला, वो होता है पापा ही परी के हाथ में। तो अब जो पीछे वाले इंसान है ना, अब भाई उसको ला के अब इंजेक्शन तो इस पापाई परी के हाथ में, तो अब मेरे को अपने कूल लेके आए वो करने पड़ेंगे मजबूत। तो उसने क्या करा, वो अपनी कुर्सी पे थे खुद ही नीचे गिर गया, मतलब कि यार कूले मजबूत करना है यार। तभी तो यार पापाई परी है यार, एकदम से टोकेंगी तो भाई, अब तुम ही यार जान लो। चलो यार वो वाली पापा ही परी के में इंजेक्शन में कम से कम वैक्सीन तो थी,
पर आप जरा इस आंटी को देखिए, इन्होंने क्या किया, इंजेक्शन लिया, बगल में बेचारा इंसान था, उसकी तो वैसे भी यार फटी पड़ी थी, उसको पता है कि इंजेक्शन लड़कियों के हाथ में कुछ भी कर सकती हैं, तमी तो आंटी थी। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इंजेक्शन लिया, और इंजेक्शन लेके इसने उसमें भाई वैक्सीन की दवाई नहीं डाली, सीधा इंजेक्शन लेके और उसमें भाई ठोक दिया वैसे ही, उसमें कोई वैक्सीन वैक्सीन नहीं थी। बताओ देख लो अब तुम्हें, बेचारा उसने कैसे कहते इंजेक्शन लगवाया, वो भी उसने ऐसा लगवाया, देखो जरा क्यों अब कुछ इंसान है, चलो यार फिर भी ले दे के तैयार हो जाते हैं वैक्सीन के लिए, तो अब तैयार हो जाते हैं तो अब उनको भुगतना तो पड़ना ही था। तो आप जरा इस अंकल को देखिए, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, इनका कुछ 6 साल हो गया। और फिर जब बारी आती हो भाई लड़कियों को, जब लड़कियों पर लगती है वैक्सीन, तो भाई लड़कियों का कुछ ऐसा हाल होता है। लगाओ अब भैया, अब तुम सब परियों को छोड़ो, तुम जरा इस वाली परी को देखो भाई, इसके इसको लग चुका है पोलियो की बीमारी, मतलब कि इसके हाथ पे थोड़ी है, इसके तो भाई मुर्गा की टांग है, लेग पीस। और भाई फिर भी भाई इसका डांस तो जरा देखना यार, कैसे डांस कर रही है भाई, किसी को देख के भी शर्म आ जाए यार, देखो इसका डांस। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अब तुम जरा इस वाली परी को देखो, इस वाली परी की तो भाई अलग गई नसीब है, 60 रुपया वाला पौआ पुकिया जी लाल को, जरा देखिए भाई सब डांस करती है जमीन पर ये कुछ अलग ही डांस करने लगी है, जरा देख रहे हैं ऐसे डांस करेगी तो भाई इसका क्या हाल होगा, जरा आप भी बताओ। अब तुम जरा इस वाले इंसान को देखो, इस वाले इंसान को पता है क्या चुल्ल पड़ी थी यार, पता है नहीं बेचारे को कुछ शायद दिक्कत विक्कत होगी, शायद पीछे कुछ दिक्कत होगी, ताकि जो उनको जो फूले हुए थे उनको शायद बिठा रहा होगा, पर बिठाने की जगह इसने और अपने कांड फोड़ लिए, इसने किया कि यहाँ से गया भगता हुआ और इसने जाके सीधी मारी जंप, ये बन गया माइकल जैक्सन का फूफा, और इसके लग गए जो बच्चे को जीते वो भी टूट गए। अब तुम जरा इस वाली परी को देखो, इस ये वाली परी क्या करती है, स्कूटी को लेकर सीधा दीवार में ठोक देती है, सब कहते हैं कि भाई दीवार है स्कूटी थोड़ी उसके पापा जाएगी, पर नहीं इस वाली वीडियो में सही था कि दीवार नहीं टूटेगी। पर अभी आपको एक और वीडियो दिखाने वाला हूँ भाई, जिसमें लड़की दीवार भी टूट देती है स्कूटी से, यार देखो तो आप। तो भाई साहब आज के लिए बस इतना ही, और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सबके लिए ऐसी वीडियो मज़ेदार लाता रहूँगा, धन्यवाद।